आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। वर्ष 2022 के आरंभिक दो महीनों में ब्राजील से चीन का सोयाबीन आयात उल्लेखनीय तौर पर उछल गया है। कस्टम विभाग द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। विश्व में सोयाबीन के सबसे बड़े खरीदार चीन ने ये एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि की तुलना में वर्तमान कैलेंडर के जनवरी फरवरी महीने में ब्राजील से कुल 35.10 लाख टन सोयाबीन की खरीद की है। कच्चे तेल का भाव $110 के पार निकला है। चार दिनों में ब्रेंट का भाव 13% से ज्यादा चढ़ा है। ब्रेंट का भाव पिछले दो हफ्तों में 8% से ज्यादा गिरा था। WTI में भी $106 के ऊपर कारोबार कर रहा था। चार दिनों में करीब WTI का भाव 12% चढ़ा है। MCX पर भी क्रूड 8200 के ऊपर निकला है। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% की उछाल के बाद ये कदम उठाया गया है। कम आपूर्ति और अधिक मांग के कारण कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई है। MCX कॉटन का अप्रैल वायदा 40,000 के पार निकला है। उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे कपास की अधिक मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमत में तेजी और निकली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण दुनिया में गेहूं की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है और ये घरेलू न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चढ़ा जा चुका है। कई देशों ने इसके लिए भारत से संपर्क भी किया है। साथ ही सरकार भी गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए परंपरागत बाजारों से संभावनाएं खोज रही है। आज शुरुआती कारोबार दिन में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर सोना वायदा में गिरावट देखने को मिली है। MCX पर 5 अप्रैल 2022 की डिलीवरी वाला सोना 0.14% या 71 रुपए की गिरावट के साथ 51,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। NCDX ने 21 मार्च यानी आज रिफाइंड कैस्टर ऑयल का वायदा लॉन्च कर दिया है। इस रिफाइंड कैस्टर ऑयल के वायदे के लिए अभी अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक के वायदा लॉन्च किए गए हैं। अपने लॉन्च होने के पहले ही दिन NCDX पर रिफाइंड कैस्टर ऑयल का वायदा 1471 प्रति 10 किलोग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत इजिप्ट को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम दौर की बातचीत कर रहा है, जबकि चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों के साथ गेहूं के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान बढ़कर 1.74 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव हानि दर्शाते हुए बंद हुए हैं। सोयाबीन, डीगम और सीपीओ पामोलिन के महंगे होने के साथ इन तेलों के लिवाल कम हुए हैं। सरसों तेल के दाम में 75 से 100 रुपए प्रति टीन की गिरावट आई है। मसालों में एक अच्छी तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है। मसालों पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अभी मार्केट में ऊंचे भाव पर कोई भी स्टॉकिस्ट खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मार्च का महीना धनिया और जीरे की आवकों का महीना रहता है, इसलिए स्टॉकिस्ट इस उम्मीद में है कि नई आवक होने पर कीमतें नीचे जाएंगी और फिर खरीदारी करेंगे। बता दें 20 अप्रैल तक मसालों में मंदी रह सकती है। 20 अप्रैल के बाद मार्केट में मसालों की फिर से उछाल देखने को मिलेगा। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।